लोककथा शेतकऱ्यांची धनधान्य दे। मैं बोलूंगा तब नहीं आएंगे, तुम बार बार आवाज देंगे। हाँ नहीं पता है ना हमको, रोज वही करते हम बोलेंगे जब भाव नहीं मिलेगा। अरे भाई चल इधर, ओ मेरे भैया आ जाओ ना इधर, सामने देखो सामने देखो। अरे इधर लाओ यार, यहाँ लाओ ना, लाओ लाओ आगे, आपसे बात करनी है मेरे को, आपसे बात करनी है। कितने बच्चे? अरे कितने बच्चे भाई? दहा दहा है का? अरे कितीला दिला एक पिल्लू? आता कितीला देणार एक? 4000। 4000 एक? किती बकरी किती पाठी आहेत त्यात? पाच पाठी आणि पाच बोकळे। हा ते असंच राहत बाबा, डोंट वरी। क्या बेच रहे? इसके जगह तुम जीते जी। क्या हुआ नहीं क्या भैया? उनका ये बड़ा व्यापारी। हाँ इधर देख लो जरा, नंबर बोलो अपना। आप व्यापारी है क्या? हाँ। आपका नंबर बोलो। 9535 4549 0 9 0 2 9। और हर बाजार में आप लाके बकरी बेचते हो? कौन? आप खरीदते हो? खरीदते हो। बड़े व्यापारी। किती है था? 8 8 8 8। आणि कितीची विक्री होणार आहे पिल्लांची? 41 42 41। किती दिवसाचे? 3 3.5 महिन्याचे। कौन सी है ये बकरी? कौन सा बकरी है ये? कोटा मतलब ये आपने महाराष्ट्र की तो है नहीं शायद? नहीं, राजस्थान। राजस्थान? फिर ये राजस्थान से कैसे लाते हो आप? गाड़ी में। अच्छा वहाँ से सिर्फी बाजार के लिए? हाँ। अच्छा बिक जाता है इधर? हाँ बिक जाता। फिर इधर जो लोग इसकी पलाई करते हैं उनको क्या खास फायदा होता है ये बकरी से? ये कटाई के लिए जाता है। कटाई के लिए जाता है तो पालने वालों के लिए नहीं मिल सकती है बकरी? अरे हो बात करो, मेरे से बात करो यार। हो बकरी यहाँ पे आप कटाई के लिए बेचते हो लेकिन पलाई के लिए नहीं बेचते हो? नहीं, पालने वाला है तो पालने को भी देते ना। पालने वाले को भी बेचते हो? पालने वाले के लिए भी देते। तो एक बकरी का कितना कीमत होता है? बकरी देख के रहता है, 10,000 की, 15,000 की, 7,000 की। अच्छा ऐसा। इसके क्या मतलब, ये सींग पे पहचाने जाता है क्या? नहीं ये कान पे। कान पे? अब इसका सींग सीधा है इसका टेढ़ा है? सींग का अलग मसला नहीं, कान है। कोटा बोला है तो कान लंबा बड़ा था। अच्छा कथा शेतकऱ्यांची धनधान्य देई।